ग्वारा क्षेत्र के रामटोरिया बस स्टैंड चौराहे पर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष और विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि रानी अहिल्याबाई ने देश भर में अलग अलग स्थानों पर कई मंदिरों घाटों का निर्माण कराया था। रानी अहिल्याबाई होलकर भारत की उन प्रमुख महिला शासकों में से एक है जिन्होंने अपना राज्य स्वयं संभाला। बुधवार की शाम करीब 4 बजे पाल समाज के युवाओं के द्वारा माता अबार माता मंदिर प्रांगण से आरंभ होकर रामटोरिया तक एक बाइक रैली भी निकाली गई। बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी करीब 5 बजे कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा की पूजा अर्चना की और अनावरण किया। रामटोरिया बस स्टैंड का नामकरण करते हुए कहा गया है कि भविष्य में बस स्टैंड बनाया जाएगा और इस नवीन बस स्टैंड का नाम माँ अहिल्याबाई होलकर किया जाएगा। माता अहिल्या देवी का जन्म जयंती हम मना रहे हैं और समाज के द्वारा बहुत पहले से ये मांग चली आ रही है कि यहाँ एक प्रतिमा का स्थापना की जाए। उसके लिए हमारे ने प्रतिमा बना भी ली थी, सरपंच महोदय की सहमति से यहाँ पर रामटोरिया में चौराहे पर ये मूर्ति की स्थापना की गई है और आज उनकी जयंती पर उनका मूर्ति का अनावरण भी किया गया। और भी जो मांगे हैं सब लोगों का ये मत है कि चूँकि लोक माता ने पूरे देश में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए नगर स्तर पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। नगर परिषद की सहमति से एक बड़ी आदमकद प्रतिमा नगर पंचायत द्वारा में भी स्थापित।